हेलो दोस्तों, आज हम आपको 1985 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 20 मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 20 पर मूवी है बाबू। इस मूवी के डायरेक्टर थे ए.सी. थिरुलोक चंद्रन। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और रति अग्निहोत्री शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1,70,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,30,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 19 पर मूवी है मेरा जवाब। इस मूवी के डायरेक्टर थे एन.एस. राजभरत। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,30,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,45,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 18 पर मूवी है तेरी मेहरबानियां। इस मूवी के डायरेक्टर थे विजय रेड्डी। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लों, राज किरण और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,05,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 17 पर मूवी है होशियार। इस मूवी के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जय प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा और मीनाक्षी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,15,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 16 पर मूवी है मास्टर जी। इस मूवी के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, श्रीदेवी, अनिता राज और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,77,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 15 पर मूवी है युद्ध। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजीव राय। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, टीना मुनीम और डेनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,35,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,30,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 14 पर मूवी है हम दोनों। इस मूवी के डायरेक्टर थे बी.एस. गलाद। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, रीना रॉय, हेमा मालिनी, प्रेम नाथ और जॉनी वॉकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,30,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,90,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 13 पर मूवी है एडवेंचर ऑफ टार्जन। इस मूवी के डायरेक्टर थे बब्बर सुभाष। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमंत विरजे, दिलीप ताहिल और किमी काटगर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,45,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपर हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 12 पर मूवी है संजोग। इस मूवी के डायरेक्टर थे के विश्वनाथ। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जया प्रदा, विनोद मेहरा और अरुणा ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,65,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 11 पर मूवी है सागर। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, कमल हसन, निबल कपाडिया और नादिरा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,70,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,90,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर मूवी है बलिदान। इस मूवी के डायरेक्टर थे एस.ए. चंद्रशेखर। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, शम्मी कपूर, कादर खान और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर मूवी है आंधी तूफान। इस मूवी के डायरेक्टर थे बब्बर सुभाष। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 8 पर मूवी है करिश्मा कुदरत का। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुनील लिंगोरानी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अनिता राज और रति अग्निहोत्री शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,95,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 7 पर मूवी है मेरी जंग। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुभाष घई। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, मीनाक्षी,
नूतन, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 10 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ 20 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 6 पर मूवी है अर्जुन। इस मूवी के डायरेक्टर थे राहुल रवेल। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, राज किरण और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 95 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 45 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर मूवी है गुलामी। इस मूवी के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, रीना रॉय और समिता पाटिल शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 35 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 4 पर मूवी है प्यार झुकता नहीं। इस मूवी के डायरेक्टर थे विजय सदाना। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, डैनी असरानी और बिंदु शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 60 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर मूवी है गिरफ्तार। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, रजनीकांत और माधवी शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 32 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। एक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर मूवी है मर्द। इस मूवी के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, रूपा रॉय और धारा सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 80 लाख रहा। भारत में कमाई 8 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 करोड़ 85 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 1 पर मूवी है राम तेरी गंगा मैली। इस मूवी के डायरेक्टर थे राज कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में राजीव कपूर, मंदाकिनी, दिव्या राणा शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 60 लाख रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ 85 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और यही 1985 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही। दोस्तों, आपको इन मूवियों में से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।